नीमच शहर के भूतेश्वर मंदिर परिसर में आज रविवार को सिखवाल ब्राह्मण समाज नीमच के आराध्य देव श्रृंगवेशी जी महाराज वाटिका का भव्य लोकार्पण विधायक दिलीप सिंह परिहार के कर कमलों द्वारा किया गया। अब इस वाटिका की देखरेख सिखवाल समाज द्वारा की जाएगी। वाटिका के लोकार्पण के बाद एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और बाहर से आए अतिथियों का सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम में सत्यनारायण मंदिर के महंत अयोध्या दास जी, राकेश भारद्वाज, अजय तिवारी, जगदीश तिवारी, सीमा तिवारी मंचासीन रहे। श्रृंगवेशी जी महाराज वाटिका के लोकार्पण के अवसर पर राजेंद्र पांडे, गिरिराज शर्मा, लक्ष्मी नारायण जोशी, अरुण जोशी, राजमल व्यास, कांतिलाल पुरोहित, सत्यनारायण शर्मा, भगवती देवी जोशी, दिव्या पुरोहित, मेघा जोशी, स्मृति शर्मा, रेखा पांडे, रजकांता उपाध्याय, शशि पांडे और सिखवाल समाज के महिला और पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये सिखवाल ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है और महर्षि शंख एक अद्भुत संयोग है कि श्री राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को मूर्ति स्थापना हो रही है और एक सदियों का संघर्ष हिंदू समाज का सार्थक हो रहा है। और महर्षि शंख की जो इसमें भूमिका थी, महर्षि शंख वो ऋषि हैं जिन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। उसके बाद राजा दशरथ को भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। तो ये अद्भुत संयोग है कि उधर अयोध्या में रामलला विराजित हो रहे हैं और यहाँ नीमच में महर्षि शंख जिनके हम वंशज हैं उनकी वाटिका की स्थापना हो रही है। यह देश ऋषि मुनियों और महापुरुषों का है। महर्षि शंख ऋषि जी जिसके माध्यम से सिखवाल समाज जो ब्राह्मण समाज है, जो समाज को सब देने ही देने का काम करता है, उनके द्वारा यहाँ वाटिका का रखरखाव किया जाएगा। मैं समाज के समस्त पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वह भूतेश्वर महादेव के प्रांगण में अच्छे अच्छे काम करते रहे। आज देश में सनातन संस्कृति का जागरण हो रहा है और इस प्रकार समाज का हर वर्ग जागकर और कुछ न कुछ कल्याण के काम कर रहा है। ये सब हम देखते हैं, सूरज हमें रोशनी दे रहा है, पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, हवा हमें दया जीवन देती है, तो हमने भी मानव जीवन लिया है तो कुछ न कुछ अच्छे काम करना चाहिए और वही परोपकार करने का काम सिखवाल समाज के पदाधिकारी यहाँ कर रहे हैं। मैं इनका सेवक होने के नाते, विधायक होने के नाते इनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आओ हम सब एक वर्ण के जग जाने से सभी वर्ण जग जाएंगे। समाज का कोई भी वर्ण जागृत होता है तो उससे प्रेरणा पाकर और लोग भी जागृत होंगे। यहाँ आज मातृशक्ति भी खड़ी है, बड़े संख्या में समाज के लोग खड़े हैं जो परोपकार और पुण्य के काम करेंगे। यहाँ वाटिका में अच्छे सुंदर फूल लगेंगे, लोग आएंगे, खुशबू लेंगे, आनंद के साथ शांति के साथ भूतेश्वर महादेव में बैठेंगे और इस देश को पुनः विश्वगुरु के स्थान पर ले जाएंगे। एक तरफ राम मंदिर का जागरण हो रहा है, हमने सब देखा है कि यह देश राम का परिवेश, राम का जन्मभूमि पर मंदिर बने यह आदेश प्रभु श्री राम का था और न्यायालय के आदेश के आधार पर 5 अगस्त के दिन देश के प्रधान सेवक, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, संतों के आशीर्वाद से उन्होंने भूमि पूजन किया। 22 जनवरी का वो पुनीत और पवित्र अवसर आया है, पूरे देश में जन जागरण हो रहा है, राममय हो रहा है और उस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सिखवाल समाज के सभी माताओं बहनों से, भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि उस दिन अपने आराध्य देव को अपन 5 दीपक लगाएं, अपने घर में होली दिवाली दोनों मनाएं, नए कपड़े पहने, उत्साह और उमंग के साथ प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव जो पूरे देश में मनेगा और यह महोत्सव एक राष्ट्र का महोत्सव होगा। पुनः सबको बधाई, आओ हम सब लोग मिलकर पुनीत और पवित्र कार्य करते रहें। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऋषि वाटिका का लोकार्पण का कार्यक्रम है माननीय विधायक जी के थ्रू। ये जो है ये भूतेश्वर ट्रस्ट की जगह है, उसको हम लोगों ने समाज ने गोद लिया और उस वाटिका को तैयार किया शंख ऋषि जी के नाम से। शंख ऋषि जी जो है राजा दशरथ के हैं, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, वही शंख ऋषि है, उनके हम लोग संतान हैं, सब वंशज हैं। आज इस कार्यक्रम में बाहर से बहुत सारे लोग बता रहे हैं, सबका आभार, धन्यवाद। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।